एक बार पुनः शारदा संगीत कला केंद्र के ऑनलाइन संगीत शिक्षण में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने पूर्व एपिसोड में आपको झपताल दादरा कहरवा के विषय बताया, अब मैं आपको एक ताल और बताऊंगा, वह है एक ताल और तीन ताल, जो कि प्रमुख तालों में से हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत में अत्यधिक प्रयोग होता है। एक ताल ऐसी ताल है जो विलंबित लय में, ख्याल के साथ में, विलंबित रचना के साथ में और मध्य लय रचना के साथ, द्रुत रचना के साथ में, साथ ही तीन ताल विलंबित मध्य रचना के साथ में, द्रुत रचना के साथ में प्रयोग की जाती है। अब मैं आपको एक ताल के विषय में बताऊंगा। एक ताल बारह मात्रा की है और इस बारह मात्राओं को हमने दो दो मात्राओं के हिसाब से विभाजित किया है, इसलिए इसके दो दो मात्रा के छह विभाग बनते हैं। इनको मैं लगाकर बताता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वन। अब दो दो मात्रा के जो विभाग हमने किए उसमें पहली मात्रा पर ताली, तीसरी मात्रा पर खाली, पुनः पांचवी मात्रा पर ताली, पुनः सातवीं मात्रा पर खाली और नौवीं और ग्यारहवीं मात्रा पर ताली। इस प्रकार से इसमें चार तालियों का प्रयोग होता है और दो खालियों का प्रयोग होता है। धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना, धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना धिन। अब मैं इस ताल को आपके सामने बजाकर बता रहा हूँ। धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना, धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना, धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना, धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना। अभ्यास करेंगे, धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना, धिन। अब इसको हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमको ये ताल इस प्रकार से याद होगी।